नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। मेरे बगल में आप मशीन देख रहे हैं, ये इस मशीन को पेपर प्लेट बनाने के लिए सबसे बेस्ट मशीन मानी जाती है। बट इसी मशीन को क्या करते हैं कि एंगल लोहा और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जोड़कर इस मशीन को कुछ ऐसा बना देते हैं जिस वजह से लोग इस मशीन को घटिया मानने लगते, करेंक मशीन को घटिया मानने लगते। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर इस टाइप का मैं अनुभव किया हूँ कि इस टाइप का हेवी मशीन अगर सही क्वालिटी में बनी हुई है, सही पार्ट्स में बनी हुई है, तो इससे अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई मशीन नहीं। ऐसे तो पेपर प्लेट का जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी मशीन है, जिनके पास पूंजी का कोई अभाव नहीं है उनके लिए तो बहुत सारा पूंजी है। बट जो लोग कम पूंजी से अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट मशीन है, क्योंकि इस मशीन में चाहे प्रोडक्शन की बात हो जाए या फिर कॉस्ट की बात हो जाए, चलाने का तरीका का बात हो जाए, तो सब चीज में ये आसान है। रखने का जगह हो, सब चीज में आसान है। अब इसी मशीन में ये मशीन का मैं कॉस्ट भी बताऊंगा और ये मशीन कहाँ के लिए तैयार किया गया है ये भी बताऊंगा। सो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, अब इस मशीन की प्रोडक्शन की बात की जाए तो एक घंटे में चाहे वो दोना हो, थाली हो, नाश्ता प्लेट हो, कोई भी आइटम हो, वो ये 1400 प्रोडक्शन करके देगी। एनी वेज कोई भी आइटम हो। अब इसमें जो बेलन लगा हुआ है वो बेलन लगा हुआ है 14 इंच का। तो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि बेलन जो लगा हुआ रहता है उससे 1 या 2 इंच छोटा ही पेपर इसमें लगाया जाता है। तो उस हिसाब से आप इसमें 13 इंच तक थाली, दोना, यानी 4 इंच से लेके 13 इंच तक जो भी प्रोडक्ट आता है, जो कि पेपर प्लेट में आए, केला पत्ता, साल पत्ता कलर में आए या फिर बफर प्लेट में आए, आप मैकिंग कर सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भाई बता रहे हो कि 14 इंच बेलन में, अब हमें 16 इंच का प्लेट बनाना है तो उसके लिए कौन सा मशीन है? तो उसके लिए कौन सा मशीन है, क्योंकि मैं इसमें बोल चुका हूँ कि 13 से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आप सवर कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, मैं उस मशीन को भी बताऊंगा और पूरे डिटेल से बताऊंगा। अब मैं इसमें और भी प्रोडक्ट मैं बता दूं कि इस मशीन का प्राइस क्या है, कौन कौन सा रोल लगेगा इसमें, खरीदने का क्या तरीका है, फिर उसके बाद मैं आगे मशीन के बारे में बताऊंगा। तो इस मशीन का अगर प्राइस की बात की जाए तो 40,000 रुपए से लेके 45,000 के रेंज में आपको ये मशीन मिल जाएगा। इस मशीन को परचेज करने के बाद एक टेक्नीशियन आपको भारत में या बिहार में कहीं भी ले जाते हैं तो वहाँ पे टेक्नीशियन जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चलाने का तरीका बताएंगे, डाई को कैसे चेंज किया जाता है ये बताएंगे, और साथ ही ये सब चीज़ आपको सीखना है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की मैं 200 वीडियो डाल चुका हूँ आप लोगों के लिए, जो लोग मशीन अलग से भी परचेज किए उन लोगों के लिए भी। तो इस मशीन में आप 4 इंच से लेकर 13 इंच तक प्रोडक्ट बना सकते हैं, हर कलर में, हर क्वालिटी में। सिंगल फेज बिजली से ये मशीन जो है चलेगी, इसके लिए आपको ट्रिपल फेज बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ इससे हेवी मशीन जिसमें 4 इंच से लेकर 16 इंच तक प्रोडक्ट बनता है, तो बने रहिए वीडियो। 16 इंच वाला मशीन के पास तो आप लोगों को ले आया हूँ, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये फुल रेडी नहीं है। फुल रेडी नहीं होने के कारण है कि कृष्णा इंटरप्राइज में बहुत सारा ऑर्डर होता है, मशीन बनता है और निकल जाता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट समझाना मेरा काम है, मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए कि बड़ा डाई जो होता है उसमें करेंक जब पंच करता है तो करेंक पे जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है। उस दबाव के कारण सबसे पहले इस मशीन में 4 इंची का चैनल लगाया गया है और डबल ब्लॉक बैरिंग लगाया गया है। बेलन की बात की जाए तो सब आप लोग भी अब जान गए हैं कि बेलन में जो है वो बेलन क्या है कि जितना इंच का रहेगा उससे 1 इंच कम ही पेपर उसमें लगेगा, आप लोग ये चीज सीख गए। तो इसमें देखिए, इसमें बेलन का जो यूज किया गया है वो 18 इंच का बेलन का यूज किया गया। अब 18 इंच का किया गया तो इसमें 17 इंच तक जा सकता है पेपर, ये आप जान गए। तो
ये जरूरी नहीं है कि 17 का नहीं आया तो आगे नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आएगा, लेकिन हमारा 14 और 16 इस पे एकदम सही तरीके से इस पे बन सकता है। उसके बाद इसमें आगे क्या है कि जहां डाई रखाएगा वहां भी पर्याप्त जगह होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो 13x13 का प्लेट लगा हुआ है, लेकिन वो 14 का जब डाई है, 16 इंच का डाई है, तो उसका प्लेट भी बड़ा होना चाहिए। तो इसमें जो प्लेट भी लगा हुआ है, ये प्लेट भी 16x16 का लगा हुआ है, इसमें ये प्लेट। तो कहा जाए तो ये भी मशीन जो है सिंगल फेज बिजली से ही चलेगा, इस मशीन के लिए भी 10x10 का ही जगह चाहिए, लेकिन प्राइज बढ़ जाएगा। अब प्राइज क्यों बढ़ेगा ये आप लोग भी जान गए हो, क्योंकि इसमें क्रेंक उससे हेवी लगाया गया है, लोहा इसमें दुगुना दिया गया है, बेलन का साइज बढ़ गया, प्लेट का साइज बढ़ गया, मोटर का कैपेसिटी बढ़ गया। हालांकि मोटर 1 HP का ही है इसमें, बट उससे ज्यादा कैपेसिटी का इसमें मोटर लगाया गया है, ताकि जो है डाई का जो है प्रोडक्शन वो सही तरीके से हो सके। तो आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अगर इस टाइप का आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, यहाँ मशीनों को बनाया जाता है, और विजिट करके सोच समझ के की गई बिजनेस में लोग 90% तक सफल होते हैं। इसीलिए किसी बिजनेस को अगर स्टार्ट कीजिए उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, उसके बारे में समझ लीजिए, उसके मार्केटिंग को समझ लीजिए, तभी आप उस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, आप सफल जरूर होइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।